नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की चार ऐसी मूवियों के बारे में जो इस समय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में तबाही मचाए हैं, जिसमें से कुछ मूवी तो ऐसी हैं जो बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रही हैं और कुछ मूवी ऐसी हैं जो अपने बजट को भी नहीं क्रॉस कर पा रही हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम इनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँच सके। तो शुरुआत करते हैं शाहरुख खान की मूवी जवान से। देखा जाए दोस्तों, तो इस मूवी को रिलीज हुए 34 दिन पूरे हो चुके हैं और इस मूवी ने अपने 34वें दिन 1,26,00,000 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है और इसका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गया है 626 करोड़। और वर्ल्ड वाइड की बात करें दोस्तों, तो इस मूवी ने 118 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है और ये बॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी मूवी बन गई है वर्ल्ड वाइड की कलेक्शन के मामले में। वहीं बात करें फुकरे 3 के बारे में, देखा जाए दोस्तों ये कॉमेडी मूवी थी और ये जब रिलीज हुई थी तो इसके सामने जवान और गदर जैसी मूवी थी, लेकिन इन सबके बावजूद भी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में तबाही मचा दी और इस मूवी ने अपने 13वें दिन 1,69,00,000 का कलेक्शन किया है। इसका टोटल नेट कलेक्शन हो गया है 79 करोड़ रुपए। और वहीं वर्ल्ड वाइड की बात करें तो इस मूवी ने 101 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है और ये मूवी बहुत तगड़ी हो गई है सुपरहिट। वहीं अगर हम बात करें इसी के साथ अक्षय कुमार की मूवी मिशन रानीगंज के बारे में, तो देखा जाए दोस्तों इस मूवी का कलेक्शन का हाल बहुत ही बुरा चल रहा है। वहीं अगर हम इसके 5वें दिन मंगलवार के दिन बात करें तो ये मूवी 1 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करते हुए दिख रही है। ये अगर इतना कर लेती है तो इसका टोटल नेट कलेक्शन होता है 15 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड के मामले में ये मूवी 18 करोड़ का आंकड़ा छूते हुए दिख रही है। वहीं अगर हम बात करें राजवीर देवल की मूवी दोनों के बारे में, तो देखा जाए दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बुरी तरीके से धड़ाम हो चुकी है क्योंकि इस मूवी को ज्यादा शो नहीं मिले हुए हैं, ये तो आप भी जानते हैं। तो देखा जाए दोस्तों इस मूवी ने अपने 5वें दिन 15,00,000 का ही लमसम का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करते हुए दिख रही है और ये अगर इतना कर लेती है तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाएगा 2,20,00,000 रुपए। हालांकि देखा जाए इस मूवी का बजट 10 करोड़ रुपए है, लेकिन दोस्तों अब मुझे लग रहा है कि ये मूवी अपने बजट तक भी नहीं पहुंच पाएगी और बुरी तरीके से डिजास्टर हो जाएगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अक्षय कुमार की मूवी मिशन रानीगंज में इतना दम है कि वो आने वाले समय में धीरे धीरे ही सही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उछाल मार सकती है कि नहीं, कमेंट में हमें जरूर बताइए, या फिर दोनों और मिशन रानीगंज बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाएंगी। हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।